फ्रेंड्स, आज मैं जो होम रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये उसके लिए है जैसे घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द या हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो ये बहुत ही अच्छी है। बच्चे और बड़े सभी इसे ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिट रिपीट। आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो सिर्फ इन दो चीज़ों से बनाई हुई है और घर पर सभी के घर में ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो बहुत ही आसान सी रेमेडी है, जैसे कि ये है यहाँ पर सॉल्ट पाउडर, अदरक जो होता है सूखा अदरक उसका पाउडर बनाया हुआ है ये, और बहुत आसानी से ये मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन अगर हम घर पर बना हुआ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो केवल आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर अगर आप डेली लेते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आज मैं इसी से एक ड्रिंक बनाने वाली हूँ, जिससे आप सुबह में या रात में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर आप डिनर के बाद सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। तो आप अगर 10 से 15 दिन भी उसको लेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे बहुत ही फर्क महसूस होगा। और ये जो ड्रिंक है, बच्चे और बड़े सभी इसको ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, ये है यहाँ पर ड्राई जिंजर, ये है सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, तो इसी को कूट पीस कर मैंने यहाँ पर घर पर इसे पाउडर बनाया है। अगर हम घर पर बना हुआ पाउडर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट के जो पाउडर होते हैं थोड़ा केमिकल होता है। ये है हल्दी पाउडर, और ये भी मैंने इसी तरह से जो सूखी हल्दी होती है उसी से बनाया हुआ है। हल्दी में जैसे कि बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो सूखी हल्दी अभी मैंने आपको दिखाई थी, इसी को कूट पीस कर मैंने ये पाउडर बनाया है। एक्चुअली क्या होता है, हम मार्केट का पाउडर इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हम इसे आधा चम्मच रोज़ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा असरदार होती है। जैसे बच्चों को होता है सर्दी हो गई, खांसी जुकाम हो गया, गले में खराश हो गई, उसके लिए अगर हम ये हल्दी का पाउडर यूज़ करते हैं, जो हम ड्रिंक बना रहे हैं वो हम बच्चों को अगर डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में देते हैं या रात को सोने से पहले उन्हें देते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। सर्दियों में अक्सर क्या होता है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न होती है। आजकल बच्चे हों या बड़े, सभी को ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके घुटनों में दर्द है। आजकल बच्चों में भी ये शिकायत बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर ये दोनों पाउडर हम घर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मार्केट के पाउडर में केमिकल होता है। हल्दी, जैसे कि कच्ची हल्दी भी आजकल सर्दियों में मार्केट में आती है, तो आप उसे भी ले सकते हैं कि एक इंच टुकड़ा हल्दी का, कच्ची हल्दी का लें, तो उससे भी बहुत जल्दी फायदा होता है। हल्दी जैसे कि हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो दर्द और सूजन हो जाती है एक ओल्ड एज में, तो उससे भी ये राहत दिलाता है। आप अगर 10 से 15 दिन इस ड्रिंक को पीते हैं तो 10 से 15 दिन में आप ही नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके जो पैरों की सूजन है, घुटनों का दर्द है या कंधों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो उससे बहुत ही आपको फायदा हुआ है। तो हल्दी की तासीर जो है गर्म होती है, इसीलिए हम उसे अक्सर सर्दियों में यूज़ करते हैं, और खाने में भी हम हल्दी का डेली यूज़ करते ही हैं। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रिंक को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक ग्लास दूध लिया है, और इसको हम बॉईल कर लेंगे दूध को। तो दूध यहाँ पर देखिए बॉईल हो गया है, तो अब हम इसमें अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। बस हमें नोटिस करना है, अगर हम घर की बनी हुई हल्दी लेते हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसीलिए कोशिश करें या तो कच्ची हल्दी लें, या घर पर जो मैंने ड्राई हल्दी आपको दिखाई है उसको कूट पीस कर तैयार करें। तो ये मैंने यहाँ पर लिया 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, तो ये मैं इस दूध पे मिक्स कर दूंगी। जब ये दूध उबल जाता है तब हम ये हल्दी पाउडर इस दूध में मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें हम इस दूध को गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ होती है कि हम इसे, हल्दी का दूध बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों की जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगी, इम्यूनिटी पावर भी उनकी बढ़ेगी। तो देखिए, इसको हल्दी को हमने इसमें मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से, और अब हम इसे एक मिनट तक बॉईल कर लेंगे। और जब ये एक मिनट तक हल्दी इसके अंदर बॉईल हो जाएगी, तब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट पाउडर, अदरक ड्राई जिंजर पाउडर,
तो ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक भी जो गले में खराश होती है, सर्दी खांसी जुकाम सभी चीज़ों में बहुत ही फ़ायदा करती है, बदन दर्द में बहुत फ़ायदा करती है। अदरक ये जो अक्सर क्या होता है कि न्यू मॉम जो होती हैं, न्यू मदर होती हैं, उनको भी ये दूध डेली दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, मांसपेशियों में जो दर्द होता है उससे भी उन्हें राहत मिलती है। तो ये है यहाँ पर सॉल्ट पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। तो आधा चम्मच ये सॉल्ट पाउडर मैं इस दूध में मिक्स कर दूंगी। ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, गले की खराश को भी ठीक करता है, सर्दी खांसी जुकाम उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर जैसे कि आजकल वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर आप मॉर्निंग में बच्चों को देते हैं या रात को सोने से पहले बच्चों को ये ड्रिंक बनाकर देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा इससे होता है। तो ये सॉल्ट पाउडर भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अगर आप फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे बच्चे अगर पीने में आनाकानी करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स कर दें। अब हम इसे 1 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्लास में डालकर सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें एक मिश्री का टुकड़ा भी डाल रही हूँ। आप इसमें बच्चों की पसंद में चीनी भी डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें मिश्री का एक छोटा टुकड़ा डाला है मीठे के लिए। तो देखिए दूध बॉयल हो चुका है और इसका कलर भी आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। एक तो इसके फायदे बहुत सारे होते हैं, अगर आप इसमें कच्ची हल्दी यूज कर रहे हैं तो 1 इंच टुकड़ा कच्ची हल्दी का आप ग्रेट करके डाल दें इस दूध में। तो ये दूध यहाँ पर तैयार हो चुका है और अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, बच्चे बड़े सभी इसे पी सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे बच्चों को दे रहे हैं कि 1 से 5 साल के बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसे आधा ग्लास ही दें, और बड़े लोग ले रहे हैं तो इसे पूरा ग्लास ले सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अक्सर घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन अकड़न, या उनको होता है कि पैरों में कंधों में दर्द हो रहा है या नींद ना आने की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इस दूध से वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। हल्दी से क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं और इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग होती है। तो फ्रेंड्स आज की जो रेसिपी है वो सर्दी में होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द या फिर बच्चों को होने वाले खांसी जुकाम गले में खराश, उस सभी चीज़ों से हमें राहत दिलाती है। और ये एक रामबाण का काम करती है कि बहुत सारी दवाइयाँ आप लेते हैं उससे भी इतना फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आप इसे रेगुलर पी सकते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो पूरे 3 से 4 महीने आप रेगुलर इस दूध को ले सकते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो आप इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे तैयार कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताइए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई और इजी रेसिपी के साथ।